वम हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक मैथ अड्डा क्लास ट्वेल्थ की एड जॉइंट ऑफ मेड्रेसिस की नेक्स्ट वीडियो में लेकर गया हूं इन द लास्ट वीडियो we have derived the formula for inverse of matrix uh, the formula is a inverse is equal to adjoint of a upon determinant of a this video consists of the theorem if a and b are invertible matrices of same order then we have to show that a b a into b is invertible and a b whole inverse is equal to b inverse a inverse बोर्ड एग्जाम्स में ये थ्योरम काफ़ी पूछी गई है और क्योंकि थ्योरम्स का अगर आप सीक्वेंस में इन थ्योरम्स को नहीं देखेंगे तो आपको उन थ्योरम्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो एट ऑफ ए से अगर आप स्टार्ट करें थ्योरम्स को देखना तो आपको ये थ्योरम बहुत इजी लगेगी इन्वर्टिबल का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल कब कहा जाता है अगर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी या हम कैसे पता लगाएं कि, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर उसका डिटर्मिनंट जीरो आ रहा है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनंट अगर जीरो नहीं आ रहा है यानी कि वो नॉन सिंगुलर है तो उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं आज हम जो जो कंडीशन हमको दी है उनका यूज पहले करते हैं हम क्या है ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस अगर ए और बी इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे और एग्जिस्ट करने के साथ साथ ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो इट मीन डिटर्मिनेट ऑफ ए ये भी नॉन जीरो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये भी नॉन जीरो होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ए इन्वर्टिबल नहीं होगा लेकिन ए इन्वर्टेबल है पहले से दिया हुआ है तो ये सारी कंडीशन आपके पास है ना। A और नी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है और उनका ऑर्डर भी सेम है सिंस ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर और अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल हो जाएगा तो इसका मतलब ए इंटू बी डिफाइंड हो गया ना अगर ए बी मैट्रिक्स इसका ए और बी को मल्टीप्लाई किया एक नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट हमने लिया इसको हम क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है ये नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन भी नॉन जीरो आएगा इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनका मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो आ रहा है अब इसको अगर हम डायरेक्टली देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो है इसका क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ऐसी है जिसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला वो नॉन जीरो आ रहा है इट मीन्स दिस ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना ही करना है तो ये पहला पार्ट हो गया आपका कि ए बी इज इन्वर्टेबल आपने प्रूव कर दिया अब आते हैं सेकेंड जो पार्ट है कि ए बी का जो होल इन्वर्स है ये बी इन्वर्स इक्वल इन टू स के इक्वल आपको प्रूफ करना है यह आपने ट्रांसपोज में भी देखा था ट्रांसपोज में भी यह फॉर्मूला बताया था तो इसका प्रूफ देखते हैं हम देखिए अगर हम बात करें अगर ए और बी एक दूसरे के यूनिवर्सेज हैं ए और बी अगर एक दूसरे के यूनवर्सेज हैं ये आपसे कहा जाए कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ए और बी एक दूसरे के यूनिवर्स हैं तो क्या कंडीशन है आपके पास अगर ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए और अगर इसको कन्वर्सली मैं बोलूं कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है इसका मतलब ए बी का क्या हो जाएगा इनवर्स यानी कि ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया बी के इक्वल ध्यान से समझिएगा आप इसको ए और बी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हो गए यानी कि ए इन्वर्स अगर मैं निकालू तो ए इनिवर्स क्या बन रहा होगा बी बन रहा होगा अब आते हैं यहाँ पे ए बी का इस ए बी का इन्वर्स आपको निकालना है और वो इन्वर्स किसके इक्वल आ रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें कि ये ए बी क्या है इस ए बी को आप पी मान लीजिए पी इनवर्स और वो बी इनवर्स ए इनवर्स को आप क्या मान लो पूरे को क्यू मान लो तो इसका मतलब पी इनवर्स इक्वल टू क्यू आपको प्रूफ करना है क्या मतलब है इसका कि पी जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स किसके इक्वल है क्यू तो इसका मतलब पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए और पी है क्या पी किसको माना था हमने ए बी को और Q किसको माना था बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आई ये आपको प्रूफ करना है कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सेज हो गए इट मीनस ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाए ये हमारा टारगेट अब इसको स्टार्ट करते हैं नाउ ए बी B इनवर्स A इनवर्स इक्वल्स टू यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज किए बिना ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं B इन टू बी इनवर्स इन टू इन्वर्स मैंने सिर्फ ब्रैकेट का चेंज किया एलिमेंट्स वैसे ही लिखे हुए आप देखिए B और बी इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आई आएगा ए A इनवर्स आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर से वही मैट्रिक्स A A तो B B करके अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए इनवर्स हो गए इट मीनस ए बी का होल इनवर्स अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगा बी इनवर्स इनवर्स ये हमारा टारगेट था इसमें तो थ्योरम्स काफ़ी मैंने एडजोइंट पे पर बेस्ड आपको करा दिए बुक से आप और भी थ्योरम्स करें और इन थ्योरम्स को न्यूमेरिकली अप्लाई करना सीखें जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एक ए मैट्रिक्स दे दी एक बी मैट्रिक्स दे दी और आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ दैट ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स तो आपको पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना है निकालेंगे कैसे एट जॉइंट ऑफ ए जो फॉमूला मैंने आपको बताया था राइट right साइड में क्या है बी का यूनिवर्स निकाल लेना है ए का यूनिवर्स निकाल लेना दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे तो इन थ्योरम्स को आप करें और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें